जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं रुक्मिणी अष्टमी की कथा एवं पूजन विधि। व्रत रखने वाली स्त्रियां प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें, जिसके बाद भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु जी का तथा तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिसके बाद घर के किसी स्थान पर गंगा जल छिड़क कर एक चौकी की स्थापना करें और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इस चौकी पर सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्थापना करें, जिसके बाद भगवान कृष्ण जी व देवी रुक्मिणी की मूर्ति को स्थापित करें। चौकी के एक ओर शुद्ध जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश रख देना है, जिसके ऊपर आम अशोक के पत्ते रखकर एक नारियल रखना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद भगवान कृष्ण जी व देवी रुक्मिणी की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं, जिसके बाद उनका अभिषेक करें और पूजा करें। पूजा में फल, फूल, रौली, मौली, चावल, सुपारी, लौंग, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, धूप, दीप आदि से करें। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और माता रुक्मिणी को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं तथा साथ में श्रृंगार का पूरा सामान भी चढ़ाएं। पूजा के बाद रुक्मिणी अष्टमी व्रत की कथा सुनें और आरती करें, जिसके बाद माता व भगवान को खीर व अन्य पकवानों का प्रसाद चढ़ाकर वहां मौजूद सभी में वितरण करें। अष्टमी के दूसरे दिन अर्थात नवमी वाले दिन स्नान आदि से मुक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें, जिसके बाद गाय माता को भोजन देकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए सुनते हैं रुक्मिणी अष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ एक अति सुनंद पुत्री ने जन्म लिया। जन्म के समय राजा की पुत्री इतनी गुणवान व सुंदर लग रही थी, मानो साक्षात माता लक्ष्मी ने उनके घर में जन्म लिया है। राजा ने उनका नाम रुक्मिणी रखा। राजकुमारी रुक्मिणी के पांच भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश और रुक्म माली। धीरे धीरे राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी होती गई और उनकी शरीर की सुंदरता व मुख का तेज और चमक गया, तो उन्हें सभी लोग लक्ष्मी स्वरूपा मानते थे। रुक्मिणी ज्यादातर अपने पिता भीष्मक के साथ रहती थी। उस समय राजा से कोई भी मिलने आता तो वह श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करता और भगवान विष्णु जी की तरह उनके शरीर के गुणगान करते। श्री कृष्ण जी की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी ने मन ही मन में कृष्ण जी का अपने पति के रूप में चुन लिया, किंतु रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म अपने खास मित्र चेदिराज शिशुपाल से उनका विवाह करा के अपनी मित्रता को और भी गहरी करना चाहते थे। राजा भीष्मक व उनकी रानी ने अपने पुत्र रुक्म को बहुत समझाया, किंतु वह उनके प्रति जाकर अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया, जिसके बाद
राजकुमारी रुक्मिणी बहुत दुखी हुई और कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख तय हो गई। पूरी राज्य में राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह की तैयारी होने लगी। तब रुक्मिणी ने अपने कुल गुरु को अपना संदेश दिया और कहा कि हे गुरुदेव, आप शीघ्र ही द्वारिका नगरी जाइए और हमारा संदेश भगवान कृष्ण जी को देना। जिसके बाद कुल गुरु द्वारिका नगरी गए और श्री कृष्ण जी को वह संदेश देते हुए सारा वृतांत सुना दिए। कृष्ण जी ने संदेश को खोलकर पढ़ा तो राजकुमारी रुक्मिणी ने लिखा हुआ था कि हे द्वारिका नंदन, मैंने आप ही को अपने पति रूप में चुना है और मेरे बड़े भाई मेरा विवाह उनके परम मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, किंतु मैंने तो आपको पति रूप में चुना है, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कृपा करके मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार करें। यदि आप मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपनी प्रार त्याग दूंगी। यह पढ़कर कृष्ण जी ने उस कुल गुरु से कहा, राजकुमारी से कहना कि वो राज्य के बाहर हमारी प्रतीक्षा करें। जिसके बाद कुल गुरु राजकुमारी के पास आए और बोले कि तुम विवाह से पहले गौरी पूजा के लिए राज्य से बाहर मंदिर में जाना, वहीं आपको श्री कृष्ण जी मिल जाएंगे। उस समय भगवान के पास दिवर्षि नारद आए और कहने लगे, प्रभु अब देरी क्यों कर रहे हो, शीघ्र जाइए और माता रुक्मिणी को ले आइए और उधर शिशुपाल जरासंध की सेना के साथ बारात लेकर विदर्भ देश पहुंच गया। विवाह से पहले गिरजा पूजा की परंपरा है और उसकी पूजा के लिए राजा व रानी ने रुक्मिणी को राज्य से बाहर गौरी मंदिर में भेज दिया। देवी रुक्मिणी गौरी पूजा करके श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा करने लगी तो देखा कि दूर रथ में कृष्ण जी आते दिखाई दिए। वह पहुंचने के बाद रुक्मिणी ने भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण जी ने कहा, देरी ना करो प्रिय, जल्दी रथ में बैठो, हमें शीघ्र ही द्वारका के लिए निकलना है, क्योंकि इस राज्य में जरासंध व शिशुपाल दोनों की सेना है। यह सुनकर राजकुमारी कृष्ण जी के साथ रथ में बैठ गए और द्वारका के लिए चल दिए। अब यह बात रुक्म व शिशुपाल को पता चले कि रुक्मिणी का हरण कृष्ण ने कर लिया और वह उन्हें अपने साथ द्वारका ले जा रहे हैं, तो ये अपनी सेना के साथ उनका पीछा करते हैं, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको बहुत देरी हो चुकी थी। इधर कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ द्वारका पहुंच गए और द्वारका नगरी वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ भगवान कृष्ण जी व देवी रुक्मिणी का विवाह हुआ और कृष्ण जी की पहली पत्नी देवी रुक्मिणी कहलाई, जो स्वयं माता लक्ष्मी जी की रूप थी।